लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था, एक फन एक्टिविटी हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, और साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, उससे रिलेटेड है। और आप लोगों ने सभी न्यूटन्स लॉस तो आपने पढ़े होंगे, तो मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ये एक एक्टिविटी बेस करती है। तो मैं ये एक्टिविटी आप लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ, जिसका नाम है बैलून रॉकेट साइंस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास बैलून, और स्ट्रा है, ड्रिंक स्ट्रा, जो जूस जिसे हम लोग पीते हैं वो स्ट्रा है, और एक टेप सॉल्यूशन है, और एक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पे हमने एक रस्सी को बांधा हुआ है। ठीक है, तो हम ये अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आप लोग देखें न्यूटन थर्ड, तो गाइस आपको कैसी लगी ये एक्टिविटी? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इससे सीखा भी होगा। ये जो हमारा बनाने का मकसद था, ये बेसिकली हमने एक जैसे रॉकेट काम करता है ऐसे हमने बनाया है। जैसे इसको हम एक्सपेरिमेंटली ये डिफाइन कर सकते हैं कि द बलून फ्लाइज अक्रॉस स्क्रीन बिकॉज ऑफ एयर एंड थ्रस्ट। थ्रस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज यू नो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। As air released out from the balloon in one direction, the force propelled the balloon in another direction. So I hope you enjoyed the experiment.